दोस्तों आज की ये वैकेंसी खास इसलिए है क्योंकि अगर हम बात करें इंडिगो एयरलाइंस की तो लगभग लगभग मान के चले एक महीने में इस तरह की ये पहली वैकेंसी है जो आ रही है फ्रेशर्स के लिए। तो दोस्तों अगर आप 12th पास हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी एज 18 to 27 यानी 18 साल से 27 साल के बीच में है और एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना आपके लिए ड्रीम जॉब है, तो दोस्तों आपके इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। वीडियो को बस ध्यान से देखते रहिए। जो भी आपको बता रहा हूँ या जो भी आपको बताऊँगा वो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज और काफ़ी ऑथेंटिक होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसी तरह के वेरी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी जानना, पूछना या समझना हो तो वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड रिक्वेस्ट वहां भी मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। एयरलाइन में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते हैं। अभी जो आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये मैं नहीं, इंडिगो खुद बोलती है, वो किसी भी तरह से पैसे नहीं लेती है एयरलाइन में जॉब देने के लिए। एयरलाइन एयरपोर्ट के अलावा भी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक, प्राइवेट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी डिफेंस सर्विसेज, बैंक, पीओ, रेलवे, इन सब में इंटरेस्ट है तो आप मेरे दूसरे चैनल सोशल दिया को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वहां पर ढेर सारी प्यारी वैकेंसीज मैं डालते रहता हूं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों आज की ये जो वैकेंसी है इंडिगो की, इसके रिगार्डिंग जो मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन है, जो रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो है 12th और ग्रेजुएशन। इंडिगो की वेबसाइट पर जाने का लिंक अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे फॉलो करने के बाद आप आएंगे इस पेज पे जो कि इंडिगो की वेबसाइट है और देख पा रहे हैं 38 ओपनिंग में जो हायरिंग इवेंट्स में मेनली आपको केबिन क्रू की वैकेंसीज हैं। इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये बहुत सारी वैकेंसीज हैं डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट पोजिशंस के लिए। दोस्तों आप जाकर इसे ज़रूर देखें, समझें। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा केबिन क्रू के रिगार्डिंग, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है आप में से वो लोग जो कि केबिन क्रू के रिगार्डिंग अप्लाई करना चाहेंगे। इसके लिए आप फीमेल इंडियन नेशनल होने चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एज 18 to 27 ईयर्स के बीच में होने चाहिए और 12th आप पास होने चाहिए। केबिन क्रू के जॉब नेचर को देखते हुए हिंदी और इंग्लिश फ्लुएंसी मैंडेटरी है और साथ ही साथ स्पीच की क्लैरिटी भी ज़रूरी है इसमें। हाइट आपकी मिनिमम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और BMI आपको बाद बाकी जो चीज़ें हैं एज पर रिक्वायरमेंट। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव एटीट्यूड, विजिबल टैटू बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों अब हम फाइनली मूव करते हैं आज की मेन वैकेंसी जो कि ग्राउंड स्टाफ है 12th पास के बेसिस पे। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये है आपको चंडीगढ़ के लिए और यहाँ एक बात ध्यान देने की है, जो भी डिटेल आपको बताऊँगा बड़े ध्यान से देखिएगा और आप अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों ग्राउंड स्टाफ की ये जो वैकेंसी चंडीगढ़ के लिए आ रखी है उसमें जो स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट है वो है 12th पास, यानी कि आप अगर फ्रेशर हैं और 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एयरलाइन एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है और आप ग्रेजुएट हैं तो आप एग्जीक्यूटिव लेवल में अप्लाई कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो एज का जो लिमिटेशन है वो 18 to 27 यानी 18 साल से 27 साल की है। अगर आपकी एज 27 साल से ऊपर हो गई है और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके बॉडी पार्ट में विजिबल टैटू दिखता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th की है ये केवल ग्राउंड स्टाफ यानी सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस, रैंप, केबिन अपीयरेंस के लिए अप्लीकेबल है। मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया फॉर कार्गो एज ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और कार्गो में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप देख पा रहे हैं टॉप राइट में दो आपको कॉलम दिख रहे हैं, सबसे पहला है कैंडिडेट लॉगिन, दूसरा है साइन अप। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का पेज आपको ओपन होगा। जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया है वो ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए, नीचे पासवर्ड डालिए और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा, सारे डिटेल फिलअप कर लीजिएगा। अगर आपका पासवर्ड भूल गया है यानी आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक कीजिए और इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर ईमेल वाले पार्ट में ईमेल डालकर सेंड मी इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक चला जाएगा, वहाँ से जाकर आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। अब बात आती है तब की जबकि आपने रजिस्टर ही नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो कैंडिडेट साइनअप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपको ओपन हो जाएगा जो कि आपको साइनअप का एक पेज है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके
जब करेंगे तो इस तरह का ग्रीन टिक आ जाएगा, फिर आप साइनअप पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद दोबारा से आप आएंगे कैंडिडेट लॉगिन पे, इस पेज को क्लिक करेंगे और फिर से अपना ईमेल आईडी और अभी जो आपने पासवर्ड डालकर अपना किया था रजिस्ट्रेशन उसे वैसा करके आप लॉगिन पे क्लिक करके सारे डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा, जो भी अपना डाउट होगा उसे लिखिएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे मुझे फॉलो करके डीएम कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू टू रिस्पॉन्ड यू। तो अभी आपने देखा कि अप्लाई करने के लिए आपको रिज्यूम की जरूरत है। अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, वहां से आप फ्री में रिज्यूम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर आई बटन में जो वीडियो आप देख पा रहे हैं रिज्यूम कैसे बनाएं उसे देख आप ये जान सकते हैं कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे कंटेंट्स, मेरा चैनल आपके लिए अगर जरा सा भी हेल्पफुल है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।